ओलंपिक मेडलिस्ट विजेंद्र सिंह न सिर्फ सुपरस्टार हैं बल्कि वे बॉक्सिंग लेजेंड भी बन चुके हैं। उनका अगला मुकाबला तंजानिया के फ्रांसिस से होगा, इस पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद है विजेंद्र। किस तरह से देखते हैं अगला मुकाबला, क्योंकि चेको बहुत ही स्ट्रांग है, 43 बाउट खेल चुके हैं और 17 नॉकआउट हैं, और आप पहली बार टाइटल डिफेंड करेंगे, तो किस तरह से देखते हैं इसमें? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को सुपरस्टार बुलाया इसके लिए। रही बात फाइट की, तो फाइट दिसंबर 17 को है, जो ज़्यादा दूर नहीं, 3-4 दिन की बात है। तो 17 के लिए मैं बहुत तैयार हूँ, मैं बड़ी कैसे बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरे को रिंग में मिले और मैं उसको अच्छी तरह मीनिंग समझाऊँ बॉक्सिंग का। आपने भी वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे फुटेज देखे होंगे, तो कौन से ऐसे एरियाज आपको लगे, वीक पॉइंट लगे, जिस पर आप वर्कआउट करेंगे और हराने की कोशिश करेंगे? आई थिंक इज वेरी डिफेंसिव एंड जो उसका खेलने का स्टाइल है बड़ा डिफेंसिव लगा मेरे को। और हमारे पास गेम प्लान है सर, मैं अभी वो आपके सामने कैमरा पर नहीं बता सकता कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएंगे, तो बट वी हैव प्लान, वी आर रेडी फॉर दैट। एंड हमने भी देखी, हमने रिंग में भी काम किया उसके हमारे कोच के साथ, तो वी आर रेडी फॉर दैट। आप मैनचेस्टर में ट्रेनिंग करते हैं लेकिन आपका बाउट इंडिया में है, तो आपको लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे, क्योंकि आप ट्रेनिंग डिफरेंट कंडीशन में करते हैं? आप वहाँ भी ठंड थी और यहाँ भी ठंड है, अभी वहाँ थोड़ी ज़्यादा ठंड थी या थोड़ी कम है, तो आई डोंट थिंक सो कोई फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क जब लास्ट फाइट थी 16 जुलाई की, तो वहाँ ठंड थी, यहाँ गर्मी थी, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था, लेकिन अब ठीक है सर। आप होम ग्राउंड पे खेलेंगे, इससे प्रेशर रहेगा फिर, ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है? एडवांटेज है सर, अभी 100% जब लोग आपके लिए चीयर अप करें और आपके मुल्क के लिए चीयर अप करें, और जब आपका नाम और आपके मुल्क का नाम लिया जाए आपके लिए, तो कहते हैं वैसे ही जोश भर जाता, तो ऑफकोर्स इट विल मैटर्स। और जब लोग आपके लिए चीयर अप करें तो जोश और भी आता है सर। मैंने सोशल मीडिया में कहीं पढ़ा था कि चेको ने आपके बारे में ये कहा था कि मैं इस लड़के को इस बार सबक सिखाऊंगा, तो आपका क्या रिप्लाई रहेगा इसके? सर मैं क्या बोलूँ, आप बताइए ना, इसके मैं क्या बताऊँ मैं इसको, बिकॉज वो जानता नहीं है ना, बिकॉज ही डोंट अंडरस्टैंड कि इंग्लिश में कैसे उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो वो कहते कि वो गुस्सों की भाषा, कहते पंचों की भाषा समझता है, उसको मैं अच्छी तरह समझा दूँगा इसके बारे में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र। तो ये थे विजेंद्र सिंह, जिनका साफ कहना है कि 17 तारीख को होने वाले ब्लॉकबस्टर मुकाबले में वो जरूर विजयी रहेंगे और एक बार फिर चैंपियन बनकर सबके सामने आएंगे। नई दिल्ली से दूरदर्शन न्यूज़ के लिए मैं अशोक मर्तोलिया।